हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह के गोपाल जी के सर्दियों के लिए, इसको बिस्तर सेट भी बोल सकते हैं, टोकरी भी बोल सकते हैं, इनका गद्दा भी बोल सकते हैं, ठंडी के मौसम में इसको बनाने के बाद में काफ़ी रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं दो पिलो बनाई हूँ और एक ये एक पिलो है और एक ये इनका मसलंद है, दो बनाया है और दोनों कलर से मैंने बनाया है। और ये देखिए पीछे की फिनिशिंग, आप दोनों साइड से इसको यूज कर सकते हैं, ये 2-in-1 है। ये देखिए इसमें ठंडे के मौसम में आप गोपाल जी को बैठा के धूप में भी रख सकते हैं, रात को सुला भी सकते हैं, कहीं ले करके सेफ्टी के साथ में इनको इस तरह से आप जा भी सकते हैं, चाहे सफ़र में हो या कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसको बनाया है, इसको लूज करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। और ये देखिए ये इस तरह से हमारा बन गया है और ये दोनों साइड से फिनिशिंग होगी। कॉटन से भी बनता है ये और फोम सीट से भी बनता है, कॉटन से भी बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने इसमें थोड़ा सा फोम सीट लगाया है और बाकी मैंने ये साइड साइड में कॉटन भर करके बनाया है। थोड़ी सी हमारी गला ख़राब हो रही है इसीलिए आवाज़ ऐसी आ रही है, पर वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने बना करके आपको बताया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं कि कैसे बन रही है। इस तरह की और भी टोकरी मैंने बनाई हुई है और अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से लिंक ओपन करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो इसकी दिख जाएगी। ये खास करके मैंने स्पेशली ऑर्डर के लिए ये बना रही हूँ, किसी का ऑर्डर आया है कि इसमें का 4-5 मुझे चाहिए तो मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लुक भी आ रही है और साथ में गोपाल जी को कम्फर्टेबल भी रहेगा। ये देखिए ये 5 नंबर के गोपाल जी भी इसमें सो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया हुआ है, 3 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर, ये सारे गोपाल जी इसमें आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये टोकरी। सबसे पहले इस बेड को बनाने के लिए मैंने ऊनी गर्म कपड़ा लिया हुआ है, ये इस तरह का, और ये भी हमारा गर्म ही कपड़ा है। इसकी डायमीटर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितना रखा है हमने, ये लगभग हमारा 12.5 इंच है। इसे हमने एक सबके घर में ऐसी थाली स्टील की होती है, इस थाली से रख करके मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। और इसके बाद इस तरह का फोम सीट मैंने लिया है, ये बहुत ही अच्छा फोम सीट हमारा होता है, इसको मैंने 3 लेयर लिया है, 1, 2 और ये हमारा 3, 3 लेयर मैंने लिया हुआ है और एक ही साइज़ का मैंने इसको भी कट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी मैंने जो कट किया है तो इसी थाली से नाप करके मैंने कट किया हुआ है। इसका डायमीटर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैंने कितना रखा है, इसको मैंने लगभग 8 इंच रखा हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी कपड़ा इसमें से दोनों में से एक कलर को हम नीचे रख देंगे और इसके ऊपर हम 20 सेंटर देखते हुए इसको इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर रखने के बाद में एक कपड़े को हम इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। इस तरह से हम इसको बिछा देंगे, बिछा देने के बाद में इसके ऊपर अब रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलते हैं पहले इसको, इसका जो ये किनारी है इस तरह से, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलते हैं पहले इसको, जैसे जब इसको हम सिलाई करेंगे तो इस कपड़े को अच्छे से हम इसको खींच खींच के सिलाई करेंगे, और सिलाई भी इस पर बहुत ही अच्छे से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ये यहाँ तक मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है और वो पूरे अच्छे से मैंने इसमें सिल करके दिखाया हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी टाइट है और एकदम ये फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हुई है। और ये देखिए ये हमारा पीछे का पोर्शन है, पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा सिलाई लग करके इस पर कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है इसमें आगे, ये जो हमारा किनारी किनारी वाला पोर्शन है, ये जो हमारा किनारी किनारी वाला पोर्शन है, तो इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर छोड़ देंगे और इस तरह से इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए हम सिलते हैं और इसको आपको बताएंगे कि कैसे सिलाई करना है। जैसे कि यहाँ से हम थोड़ा सा किनारे इसका छोड़ करके सिलाई चालू करेंगे। ये जो सिलाई हुई है ठीक इसी सिलाई पर हम आ गए हैं और आने के बाद में इसको थोड़ा सा सिलते हैं। सिलने के बाद में यहाँ से हम फिर बैक हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ये मैंने एक बनाया वैसे हमको किनारी किनारी पर हर जगह बनाना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसको मैंने सिलाई करके ये पूरा किनारी किनारी कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं सब पर मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे एक साइड में आपको बता रहे हैं इस तरह की हमारी मार्केट में कॉटन आती है जो टेडी वेयर वगैरह में हम लोग लगाते हैं यूज करते हैं, यही वही वाली कॉटन है। इसको इसमें हम डाल के इसको पैक कर देंगे। खूब ज़्यादा भी नहीं करेंगे, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम करेंगे इस तरह से कर करके और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले इस पर इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाएंगे। इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा किनारी पर सिलाई आपको मैं क्लियर ही दिखा रही हूँ और फिर इसमें कॉटन है इसी तरह से हम पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में फिर दोनों साइड के किनारी को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फटाफट हम सिलाई कर लेते हैं, करने के बाद में फिर रेडी करके आपको दिखाएंगे। इसको इस तरह से सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। जब ये नीचे का किनारी आप फोल्ड करेंगे इसको सिलेंगे तो जो लंबा वाला सिलाई मैंने आपको बनाना बताया था वहाँ का मुँह थोड़ा सा आप यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो खुल जाएगा या आप खोल दीजिएगा, इसके बाद इसको फोल्ड करने में आपको बनेगा। अब हम क्या करेंगे और ये देखिए ये दोनों साइड से हमारा बहुत ही अच्छे से सिलाई हो गया है। मैं प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ क्योंकि एक साथ वीडियो में आएगा नहीं, तो इसको अब हम साइड करते हैं। और ये आप किसी भी कलर का दूसरा कलर भी ले सकते हैं, ये उरेबी कपड़ा मैंने लिया है। ये दोनों पट्टी को एक साथ जोड़ करके, थोड़ा सा हमारा ये छोटा है इसीलिए इसको हम इसमें स्टिच कर रहे हैं साथ में, इसको सिल लेते हैं। सिलने के बाद में फिर आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से इस पर रख करके हम किनारे किनारे पूरे पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल लेते हैं, सिलने के बाद में फिर बताएंगे। इस तरह से मैंने ये किनारे को सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब देख सकते हैं ये उरेबी हो है इसलिए अपने आप ही पलट जाएगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने उरेबी लगाया है।
अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये किनारी मैंने पहले फोल्ड करके आपको सिलाई करने को बताया है, अगर नहीं भी आप सिलाई करें मोड़ करके सिलाई करेंगे तो आप इसमें पैक करके कॉटन को और इसके ऊपर से कपड़ा रख करके आप सिलाई लगा सकते हैं, ताकि ये जब दोबारा हम फोल्ड करेंगे तो उसमें ये आपको लॉक हो जाएगा। ये अभी जो मैंने किया है वो रस्सी के लिए किया है, लेकिन जो पहले मैंने फोल्ड करके सिलाई करना बताया है वो आपके सेफ्टी के लिए है, तो आपको जैसे भी ठीक लगे अपने हिसाब से आप करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस उरेवी कपड़े को थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरह से रख करके हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए इसको हम सिल लेते हैं, सिल करके फिर आपको दिखाएंगे। इस तरह से इस किनारे को ये देखिए फोल्ड करके सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, और लास्ट में था ये यहाँ पर मैंने खुला छोड़ा है। अब गोल्डन डोरी हो, फीता हो, जो भी लगाना हो तो आप इसको इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, लगाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। रस्सी मैंने इसमें डाल लिया है, और अपने आप चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो इसकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे, ना ही खूब ज़्यादा बड़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा छोटा रखेंगे। इसके बाद यहाँ से रस्सी को हम कट कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा बन करके बिस्तर तैयार है। अब इसको अगर टाइट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जितना भी आप टाइट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी टाइट हो गई है, और जब इसको पलट देंगे तो आप उस साइड से भी इसको यूज कर लेंगे। ये देखिए 2-in-1 हो गया, ये दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर है, जितना कि आपको वीडियो में नहीं पता लग रहा है उतना ही जब आप बनाएंगे तो बनाने के बाद आपको ये बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें धूप में हो या कहीं ले जाने के लिए हो, कान्हा जी को या रात को सुलाने के लिए हो, आप इसमें डाल सकते हैं। और ये पीछे से लुक देखिए, पीछे से भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसे भी अगर ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं आप तो थोड़ी सी रस्सी को और आप खींच करके ये दोनों साइड से ये देखिए टाइट हो जाएगी, और लूज करना चाहते हैं तो ये लूज हो जाएगी। ये आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसको रखेंगे। तो चलिए इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब साथ में पीलो कवर भी बना लेते हैं। पीलो बनाने के लिए मैंने इसी में का कपड़ा लिया हुआ है, 4.5 इंच इसकी एक साइड से लगभग है और एक साइड से 3.25 इंच है। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साइड से इसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद ये इधर से हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलते हैं पहले इसको। इसको हम सिल करके कंप्लीट कर दिए हैं, अब इसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। और इसमें वही वाला कॉटन हम पैक करेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा और स्पंजी इनका पीलो कवर भी बनकर, सॉरी पीलो हमारा बन करके गोपाल जी का तैयार है। अब इसी तरह से एक और दूसरे कलर वाला में बना लेते हैं। इसके बाद एक इस तरह का मैंने मसलंद बना दिया है गोपाल जी के लिए,
और इनका ये जाड़े का बिस्तर बन करके तैयार है। दोनों साइड में आप अगर यूज करना चाहेंगे तो दोनों साइड से दोनों का मैचिंग मैंने बनाया है पिलो। इसमें आप 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल को आप बहुत ही आराम से सुला सकते हैं और ऊपर से उड़ा भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर के आपके साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।